हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ एरर फाइंड आउट का 9th पार्ट लेकर आए हुए हैं। तो जैसे हमें पता है कि एक सेंटेंस हमारे यहाँ 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी, और हमें ये देखना होता है क्या पार्ट ए में कोई एरर है या बी में कोई एरर है या फिर सी में। अगर ए, बी, सी तीनों में कोई एरर नहीं होता है तो हम लास्ट ऑप्शन डी का यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेंटेंस में आ जाते हैं। तो जैसा कि आपको पहला सेंटेंस यहाँ दिख रहा है, Neither of the boys are doing his work, और लास्ट में देखिए आया है डी में ऑप्शन नो एरर का। अब देखिए इसमें जर्नली अगर हम इसमें करेक्शन की बात करें, एक चीज जानते रहिएगा, नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद हमेशा आर्टिकल द आना चाहिए और द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए। अब वो प्लूरल नाउन या तो उसकी संख्या मत बताइए, अगर संख्या बताना है तो सिर्फ दो बताएंगे, या फिर कोई संख्या बताइए ही मत, और उसके आगे आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। और जो नाइदर होता है, नाइदर का मतलब कोई एक भी नहीं, और जो एक कोई एक भी नहीं होगा वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी, मतलब वो ही भी हो सकता है और शी भी। तो इसमें देखिएगा नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर के बाद ऑफ आ गया तो द आना चाहिए, द यहां आ गया, बॉयज आ गया प्लूरल, चलिए बॉयज भी आ गया। इसके बाद वर्ब आनी चाहिए थी सिंगुलर, लेकिन देखिए बी पार्ट में क्या है, आ रहा है, तो हमारा बी पार्ट में क्या है, यहां मिस्टेक है। सेकंड सेंटेंस देखिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग देयर वर्क, और लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन। अब एक चीज जानते रहिएगा, नाइदर के बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद द आएगा, और द के बाद अगर आपका जनरली क्या आता है कि प्लूरल नाउन आता है, लेकिन जो प्लूरल नाउन में अगर आपको संख्या बतानी है तो सिर्फ दो ही आप बता सकते हैं, दो से ज्यादा होगा तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, दो से कम होगा तब भी। तो इसमें देखिए नाइदर ऑफ द टू बॉयज, तो टू बॉयज आया है, यहां तक हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही है। अब चूंकि नाइदर का मतलब होता है कोई एक भी नहीं, तो एक के सेंस में आता है आगने वाली वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आनी चाहिए, यहां सिंगुलर भी आई है, डूइंग हो गया। फिर देखिए सी पार्ट में आया है देयर वर्क। अब यहां देयर जानते रहिएगा हमेशा आता है किसके लिए, प्लूरल के लिए आता है, दे के लिए, और दे हमारा यहां सब्जेक्ट है नहीं कि हम यहां देयर लगाएं। नाइदर का मतलब होता है कोई एक नहीं, और कोई एक जो है वो मेल भी हो सकता है। लेकिन चूंकि यहां पर देखिएगा नाइदर ऑफ द टू बॉयज, लेकिन चूंकि यहां बॉयज की बात की गई है, इसलिए हम यहां मान के चलेंगे कि यहां पर बॉयज मतलब मेल है, और जब मेल है तो हम यहां क्या लगाएंगे, देयर को हटा कर हम हीज लगाएंगे, तो हमारा हीज यहां लगाने पे हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पार्ट सी में हमारा यहां मिस्टेक है, तो सी को हम यहां क्लिक कर देंगे, हमारा सेंटेंस मिस्टेक है। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, Neither of the four boys is doing his work, और लास्ट में आया है no error का ऑप्शन। अब देखिए आपको ये बताया गया था कि neither जो होता है वो neither जो होता है हमेशा बात करता है, दो में से कोई एक भी नहीं के सेंस में यूज होता है। अब इसमें देखिए neither आया है, off आ गया तो the आना चाहिए, the भी आ गया, लेकिन यहां देखिए आया क्या है, four boys। आपको बताया गया था neither जो होता है वो दो में से कोई एक भी नहीं की बात करता है, दो से ज्यादा होगा तब भी सेंटेंस गलत, और दो से कम होगा तब भी। तो यहां four हो गया है, four होने की वजह से हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहां हमारा ए पार्ट क्या है, मिस्टेक है। हाँ, ये सेंटेंस सही हो सकता है अगर नाइदर को हटाकर आप नन कर दें, एन ओ एन ई, क्योंकि नन जो होता है वो दो से ज्यादा में से एक की बात करता है, और नाइदर जो होता है वो दो में से एक की बात करता है। तो यहां दो से ज्यादा है, अगर हम नाइदर को हटाकर नन कर दें तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन नन तो है नहीं, यहां नाइदर है, इसलिए हमारा ए पार्ट क्या है, यहां पर मिस्टेक है। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, आयदर, जानते रहिएगा जैसे नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक भी नहीं, वैसे ही आयदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो सेंटेंस देखिए फोर्थ नंबर, आयदर ऑफ द बॉयज, मतलब आयदर ऑफ द बॉयज मतलब जितने भी यहां बॉयज हैं उन, आयदर मतलब उनमें से कोई एक। अब यहां जितने भी होंगे वहां दो ही होंगे, छिपे हुए हैं वहां दो, यहां लिखा नहीं है, लेकिन हम मान लेंगे जब लिखा नहीं होगा तो हम मान लेंगे जितने भी हैं दो ही हैं। इसके बाद आयदर ऑफ द बॉयज, दो में से कोई एक लड़के आर डूइंग, अब देखिए जब दो में से कोई एक के सेंस में आता है आयदर का मतलब, तो वहां आर नहीं आना चाहिए बल्कि क्या आना चाहिए था, इज। तो हमारा यहां बी पार्ट में मिस्टेक है, क्योंकि आयदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, जब एक है तो वहां इज आना चाहिए, आर नहीं, हमारा बी पार्ट में यहां मिस्टेक है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, आयदर ऑफ द टू बॉयज इज डूइंग हिज वर्क, और लास्ट में ऑप्शन है नो एरर का। अब इस सेंटेंस की देखिए बात, हमें चूंकि पता है कि आयदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, तो यहां देखिए आया भी है आयदर ऑफ द टू बॉयज, जब टू बॉयज आ गया तो दो में से कोई एक की बात तो करता ही आयदर, तो यहां तक हमारा सेंटेंस है आयदर ऑफ द बॉयज। अब आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, तो देखिए इज भी आया, इज डूइंग, उसके बाद क्या है कि यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज आया है, तो हमें पता है ही के लिए हिज यूज होता है, तो हमारा यहां तक ये भी पार्ट सही है। इसका मतलब हमारा यहाँ पार्ट डी नो एरर का ऑप्शन हमारा सही है। सिक्स नंबर सेंटेंस देखिए,
either of the five boys is doing his work, last में है no error का option. अब इसमें generally अगर आप ध्यान से देखें तो either का मतलब होता है दो में से कोई एक, और यहाँ आया है either of the five boys, यहाँ five कर दिया गया और either कहता है सिर्फ दो ही होना चाहिए, तो हमारा either of the boys यहाँ part A में ही हमें mistake मिल जा रहा है. either of the यहाँ five नहीं होना चाहिए था, two होना चाहिए था, या फिर आप संख्या बताइए ही मत. हाँ, अगर इस sentence को आप चाहे either को हटा कर अगर आप any one करते तो any one जानते रहिएगा हमेशा दो से ज्यादा की बात करता है और आयदर हमेशा दो की बात करता है. तो हमारा ए पार्ट में मिस्टेक है, लेकिन अगर यहां आयदर को हटाकर हम एनी वन कर दें तब हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा. तो हमारे यहां ए पार्ट क्या है, मिस्टेक है. सेवन नंबर सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द बॉयज आर गोइंग टू हिज कॉलेज, और लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन. एक चीज जानते रहिएगा, नन का जो यूज होता है हमेशा दो से ज्यादा में से एक की बात करता है. अगर नन के बाद ऑफ आता है तो ऑफ के बाद हमेशा आर्टिकल द आना चाहिए, और द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आना चाहिए. अगर उसमें संख्या बतानी है कि कितने वो नाउन है, कितने उसमें है, तो हमेशा जानते रहिएगा संख्या हमेशा दो से ज्यादा रखनी पड़ेगी, या तो आप संख्या बताइए ही मत. जैसे इसमें देखिए है नन ऑफ द बॉयज, जितने भी बॉयज हैं संख्या नहीं बताया गया है, लेकिन हम मान लेंगे यहाँ जितने भी होंगे दो से ज्यादा होंगे, तो मान लेंगे यहाँ पे नन ऑफ द बॉयज जितने भी बॉयज हैं उनमें से नन का मतलब कोई एक भी नहीं. तो नन का यूज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए. लेकिन बी पार्ट में देखिए यहाँ आर आया है, तो इसलिए हमारा बी पार्ट यहाँ मिस्टेक है, आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए. क्यों? क्योंकि नन का मतलब होता है कोई एक भी नहीं, और कोई एक जो होगा वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी. तो हमारा बी पार्ट में यहाँ मिस्टेक है. एट्थ नंबर सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द टू बॉयज इज गोइंग टू हिज कॉलेज, लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन. अब देखिए इसमें नन का यूज हमें पता है कि नन का यूज हमेशा दो से ज्यादा में से एक की बात करते हैं. दो से ज्यादा वो तीन भी हो सकता है, दस भी हो सकता है, पचास भी हो सकता है, हजार भी, लेकिन दो नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ आया क्या है, नन ऑफ द टू बॉयज. जब यहाँ टू बॉयज में से नन का मतलब कोई एक भी नहीं, तो हमारा सेंटेंस ए पार्ट में ही मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि दो में से कोई एक की बात नन नहीं बल्कि नायदर करता है, और जहां दो से ज्यादा आ जाता है वहां नन का यूज होता है, और यहां एग्जैक्टली दो है. अब दो में से एक अगर बात करना है तो यहां नायदर होना चाहिए था, नन नहीं होना चाहिए. तो हमारा यही पार्ट ए में ही हमारा मिस्टेक मिल गया. तो आगे की आने वाली वर्ब देखिए सिंगुलर आई है, यहां तक हमारा बिल्कुल सेंटेंस सही, पार्ट सी भी सही है, पार्ट केवल यहां ए में मिस्टेक है. यहां नन ऑफ द टू बॉयज नहीं होना चाहिए था, अगर लगाना ही था तो नन के स्थान पर अगर हम यहां पर नायदर कर देंगे तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन हमारा यहां ए पार्ट मिस्टेक है. नाइन्थ नंबर सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द फोर बॉयज इज गोइंग टू हिज कॉलेज, और लास्ट में है नो एरर का ऑप्शन. अब देखिए नन का मतलब होता है दो से ज्यादा में से कोई एक भी नहीं के सेंस में आता है. तो नन के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद द आया, और द के बाद जो संख्या बताई गई, देखिए फोर बॉयज आई, फोर जो होता है हमेशा दो से ज्यादा होता है. तो यहां तक हमारा पार्ट सही है, नन ऑफ द फोर बॉयज यहां तक हमारा बिल्कुल सही है कि इन चार लड़कों में से नन का मतलब कोई एक भी नहीं. अब आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो यहां इज भी मिल गया. अब गोइंग टू और यहां हिज आया है, तो हिज जो होता है हमेशा सिंगुलर के लिए मेल के यूज होता है, और नन का मतलब ही होता है कोई एक भी नहीं. अब यहां देखिए चूंकि आया है नन ऑफ द फोर बॉयज, चूंकि यहां बॉयज की बात की गई है, तो हम मान के चलेंगे कि यहां जो कोई एक नहीं है वो ही है. इसलिए देखिए यहां पे सी ऑप्शन में आया है हिज, तो हमारा यहां पे सी ऑप्शन भी क्या है, सही है. तो ये हमारा नो एरर में सेंटेंस जाएगा, तो हमारा पार्ट यहां डी सही है. टेंथ नंबर सेंटेंस देखिए, एनी वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, और लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन. अभी जानते रहिएगा एनी वन का यूज भी हमेशा जानते रहिए दो से ज्यादा में से एक के लिए होता है. दो में से एक की बात आयदर करता है, और दो से ज्यादा में से एक की बात एनी वन करता है. तो आइए सेंटेंस को देखते हैं. एनी वन ऑफ द बॉयज, यहां पे देखिए बॉयज हैं, अब यहां संख्या नहीं बताई गई है, तो हम मान लेंगे जितने भी होंगे दो से ज्यादा होंगे. तो एनी वन ऑफ द बॉयज, यहां जितने भी बॉयज हैं, एनी वन मतलब उनमें से कोई एक. जब एक है तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो हम आगे देख रहे हैं हैज आया है, तो हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, सही है. हैज परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, डन भी आया है. इसके बाद देखिए आया है हिज वर्क, तो हमें पता है कि हिज सिंगुलर के लिए यूज होता है, चूंकि यहां पर देखिएगा एनी वन ऑफ द बॉयज आया है, बॉयज की बात की गई, तो हम मान लेंगे कि जो भी वहां कोई है ही है, इसलिए ही के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन देखिए हिज आया है, इसलिए हमारा यहां पे जो है सी वाला ऑप्शन भी सही है. तो हमारा यहां पार्ट डी नो एरर में हमारा सेंटेंस जाएगा. 11th नंबर सेंटेंस देखिए, एनीवन ऑफ द टू बॉयज हैज डन हिज वर्क, और लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन. अब हमें पता है कि एनीवन का जो यूज होता है हमेशा दो से ज्यादा में से एक की बात करता है. तो यहां देखिए आया एनीवन, ऑफ आया है, ऑफ के बाद आर्टिकल द आया है, बिल्कुल सही है. लेकिन देखिए एनीवन के बाद क्या आ गया, टू बॉयज, और हमें पता है कि दो में से कोई एक की बात आयदर करता है, और दो से
ज्यादा में से एक की बात एनीवन करता है, और चूंकि यहां टू बॉयज लिखा है तो हमारा यहां सेंटेंस यहीं इनकरेक्ट हो जा रहा है। अगर एनीवन की जगह आइदर होता तब हमारा सेंटेंस सही हो सकता था, लेकिन चूंकि यहां एनीवन कह रहा है और किसमें से दो में से एनीवन का मतलब कोई एक, तो दो में से कोई एक की बात आइदर करता है एनीवन नहीं करता है, यहां टू के बजाय थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ और होता तब हमारा सेंटेंस राइट हो जाता, लेकिन यहां टू दिया है और टू की बात हमेशा आइदर करता है एनीवन नहीं करता, इसलिए हमारा ए पार्ट यहां मिस्टेक है। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, एनीवन ऑफ द फोर बॉयज हैज डन हिज वर्क, लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन। हमें पता है कि एनीवन हमेशा मोर देन टू की बात करता है, दो से ज्यादा में से एक की बात करता है, तो इसलिए एनीवन के बाद ऑफ आया, ऑफ के बाद आर्टिकल द आना चाहिए, द आया है, इसके बाद जो संख्या आनी चाहिए दो से ज्यादा आनी चाहिए, तो यहां फोर आई है, ये भी हमारा सेंटेंस सही है। अब आगे आ चुकी एनीवन का मतलब होता है कोई एक, तो आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब भी आई है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव देखिए सी पार्ट में हिज आया, तो हिज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, इसलिए यहां पे हिज भी सही है। इसका मतलब हमारा सेंटेंस नो एरर में चला जाएगा, तो हमारा यहां पार्ट डी नो एरर पे हम यहां क्लिक कर देंगे, हमारा सेंटेंस पूरी तरह से क्या है सही है, नो एरर हमारा सेंटेंस जाएगा। 13 नंबर सेंटेंस देखिए, एवरीवन आर डूइंग हिज वर्क, और लास्ट में आया है नो एरर का ऑप्शन डी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें एवरीवन, तो जानते रहिए कि बहुत ढेर सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं जो आपको देखने में प्लूरल लग सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, जैसे आपका एवरीवन हो गया, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, और भी हो गया ऐसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सारे के सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, इन सभी के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है, अगर ये कभी सब्जेक्ट बन के आएंगे इतना याद रखिएगा, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं लगाएंगे आप। तो हमारा यहाँ पे आप देखिए 13 नंबर सेंटेंस में एवरीवन आया है, एवरीवन का जो होता है सिंगुलर के सेंस में यूज होता है, तो इसके बाद जो वर्ब आई है वो प्लूरल आई है, तो इसका मतलब हमारा बी पार्ट में यहाँ मिस्टेक है, आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए। तो मे बी आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि बेसिकली कैसे आपको फाइंड आउट एरर करना है, कैसे नहीं। देखिए अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, उसी के लिए आपके लिए ये वीडियोस बनाई गई हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो प्लीज वीडियो को बार बार वॉच करें, सारी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि बार बार सेंटेंस जो भी वीडियोज बनाई गई, जो भी सेंटेंसेज हैं उसका बार बार वॉच करें। जब बार बार वॉच करते जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, और एक स्ट्रक्चर भी माइंड में सेट हो जाएगा, तो जैसे एग्जाम में सेंटेंस कोई भी आएगा आप तुरंत उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ताकि और भी लोग इससे लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।